इस वीडियो में देखने वाला केबल शील्ड को दोनों एंड पे ग्राउंड नहीं करना है एक ही एंड में ग्राउंड करना है क्यों शील्ड केबल किस मेनली आपका सिग्नल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए शील्ड केबल यूज करना पड़ता है फॉर एग्जांपल ये सेंसर सेंसर से हमको सिग्नल लेके पीएलसी में देना है ठीक है पीएलसी मान लो आपको कुछ दूर में रखा हो मतलब कंट्रोल रूम में रहेगा सेंसर कहीं फील्ड में लगा रहेगा ठीक है सो इतना दूर आपको ट्रांसमिट करने के लिए आपको सिग्नल को ये शील्ड केबल यूज़ करना पड़ेगा ठीक है नहीं तो क्या होगा अगर आप ऑर्डनरी केबल यूज़ करेंगे जो उसका सराउंडिंग में सिग्नल सी। कोई भी आपका एलक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंटरफेरेंस नहीं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस रहेगा तो वो फ्रीक्वेंसी वो जो वेव्स क्या करेगा ये जो तार है तार में जो अंदर में जो सिग्नल जा रहा है ना वो सिग्नल को इंटरप्ट करके नॉइस क्रिएट करके जो जो भी जो वैल्यू जाएगा सिग्नल जाएगा उसको डिस्टर्ब करता है ठीक है अगर मैंने शील्ड केबल लगा के एक एंड को अगर अर्थ करेंगे शील्ड को तो कोई भी इंटरफेरेंस एल्ट्राम इंटरफेरेंस रेड इंटरफेरेंस रहेगा तो वो क्या है शील्ड के थ्रू ग्राउंड हो जाता है सो ये शील्ड आपको जो इंटरफेरेंस अंदर मेन कनेक्ट तक जाने नहीं देता है कोई कोई सोच सकता है एक एंड अर्थ करने से बदले में अगर दो एंड को मैं अर्थ करूँगा तो मेरा शील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा ना नहीं होगा उसके बदले में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा ठीक है क्योंकि आपका अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल पी एल सी पास एक एर्थपीट है ठीक है और फील्ड में सेंसर पास एक अर्थपीट है ठीक है एक ही शील्ड केबल का दोनों एंड को अलग अलग एर्थपीट में कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट करने से क्या होगा उसका पहले वोल्टेज मतलब क्या है जानना जरूरी है ठीक है so, सो वोल्टेज मतलब क्या डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल पॉइंट ठीक है अभी मान लीजिए यहाँ पर एक अर्थ है यहाँ पर एक अर्थ है ठीक है दोनों अर्थपीठ का वैल्यू सेम नहीं रहता दोनों का अर्थ रेजिस्टेंस अलग अलग रहता है आप चेक करने से पता चल जाएगा ठीक है तो अभी क्या है दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है ठीक है ये दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट मतलब एक बैटरी समझ लीजिएगा ठीक है ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल अभी ये दोनों को एक शील्ड के थ्रू मैंने कनेक्ट किया हूँ क्योंकि अलग अलग एंड मैं यर्थ कर रहा हूँ ना दोनों शील्ड के थ्रू कनेक्ट किया यह बैटरी का नेगेटिव लो पोटेंशियल पॉजिटिव हाई पोटेंशियल ठीक है थीके? सो ये दोनों को एक रेजिस्टेंस थ्रू शॉर्ट करने से करंट फ्लो होता है राइट तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट फ्लो होगा अगर दोनों सेम पोटेंशियल रहेगा उसको शार्ट करने से क्या कुछ भी नहीं रहेगा मतलब करंट कुछ भी फ्लो नहीं होता है ठीक नेग़टियो, नेग़टियो होता है नेगेटिव नेगेटिव शार्ट करेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा पॉजिटिव पॉजिटिव शार्ट करने से करंट फ्लो नहीं होता है ना सो तो अभी दो एयथपेट है ठीक है दो एर्थपीट अभी अलग अलग पोटेंशियल हो, हो गया सो दोनों सेम अगर रहता है करंट फ्लो नहीं होता तो सेम दोनों सेम नहीं हो सकता है ठीक है सो शील्ड उतरी शार्ट हो रहा है ना इसलिए क्या है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ये करंट फ्लो की वजह से अंदर में क्या है नॉइस क्लिएटर होता है मैग्नेटिक फील्ड कोई भी क्लियट होकर जो मेन कंटेक्ट का सिग्नल उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा जो मेन सिग्नल को प्रोटेक्ट करने वाला शील्ड अभी क्या हो रहा है दोनों एंड में एर्थ करने से वो खुद उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है ठीक है तो इसलिए एक ही एंड में उसके एर्थिंग करना जरूरी है वो भी पी एल सी साइड में एर्थ करने से ठीक है क्योंकि सेंसर अलग अलग फील्ड में रहेगा ना अलग अलग एथिंग तो नहीं कर पाएंगे तो पी एल सी एक कॉमन एर्थिंग रहेगा उसमें सारा एथिंग करने से ठीक रहेगा